सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरवमय दिन होता है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद, हमारे क्रांति वीरों के संघर्ष के बाद, हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के बाद, जिसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, रानी झांसी, ताते टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महापुरुषों के अथक प्रयास और सतत संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी कुर्बानियों के बाद मिली और इसको हमको संयो के रखना है। हमारा देश और मजबूत हो, हमारा देश विश्व गुरु बने, दुनिया का सबसे ताकतवर देश हमारा हिंदुस्तान बने, हमारे शहीदों का, हमारे वीरों का वो सपना पूरा हो कि दुनिया में शान से तिरंगा झंडा सबसे ऊंचा लहराए। उस संकल्प को, शहीदों के उस प्रण को हमने पूरा करना है। जम्मू कश्मीर वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की और भी ज़्यादा बधाइयाँ। 70 सालों के संघर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में से अलग से झंडा समाप्त हो गया है, अलग से कानून समाप्त हो गया है। एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का वो संकल्प, वो जिसके लिए हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने, वीरों ने, महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह जी, मोहम्मद मकबूल शेरवानी जी जैसे लोग, ऋषि कुमार कौशल साहब, लाला शिवचरण गुप्ता जी जैसे लोगों ने पूरी जिंदगी तिरंगे झंडे के लिए सतत संघर्ष किया। आज वो सपना साकार हुआ है। धारा 370 समाप्त हो गई। आज पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आज गुजर बकरवाल समुदाय के लोग, पहाड़ी समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। गुलामी की जंजीरें टूटी हैं, सत्य की जीत हुई है, भारत की जीत हुई है। आओ मिलकर इस जश्न को जम्मू कश्मीर में मनाएं और देश को मजबूत करें। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं। उनको भी मैं दिल की गहराइयों से इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द वो दिन आएगा जब पाकिस्तान और चीन के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो भारत में आएगा। वो चाहे गिलगित बल्टिस्तान हो, अक्साई चीन हो, शकसम वैली हो, मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली हो, ये सब लोग भारत के लोग हैं, पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में हैं। आने वाले सालों में वहाँ भी तिरंगा झंडा हम फहराएंगे। इस संकल्प के साथ मैं सभी देशवासियों को और विशेषकर अपने राज्य जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लोगों को दिल की गहराई से इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।